आप लोगों की ओर देखिए से? ऐसा है कि ये कटिहार को दर्शाने के लिए, बिहार में कटिहार है उसको दर्शाने के लिए ये छपता है, और ये गलती होने के बाद आज से लगभग 1.5 हफ्ता पहले प्रेस को रेक्टिफाई करने के लिए दिया जा चुका है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस स्टूडेंट को देना बंद था कि इसको आप करेक्ट करो, पहले ये रेक्टिफाई करो, उसके बाद ही दिया जाएगा किसी को भी प्रोस्पेक्टस। वो रेक्टिफिकेशन के लिए प्रेस को दिया जा चुका है आज से 1.5 हफ्ता पहले। सर लेकिन अगर प्रोस्पेक्टस बच्चों को दिया जाता है, छात्रों को दिया जाता है, क्या उसको पहले चेक नहीं किया जाता है? इतनी बड़ी गलती हो जाती है? ऐसा है, गलतियां सबसे होती हैं। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले कि केसरिया ऊपर होना चाहिए तो वो नीचे है, तो सवाल है गलतियां किसी से होती हैं? सर हम दूसरों से गलती की बात नहीं, गलती अगर आपके स्तर पर हुई है, अगर आपके स्तर पर हुई है, हम उस पर जवाब चाहते हैं। जहां भी हो पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया जाता है, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। गलतियां कहीं किसी से भी होती हैं, उसको सुधारने का काम करना चाहिए, यह मौका देना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए, न कि एक तरफा कोई चीज बयान दे करके टीवी में और मीडिया में आते रहना चाहिए। दूसरे से भी पूछना चाहिए था पहले कि कहां ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बगैर उसके कुछ भी दिया जाए ये सही नहीं है। गलतियां किसी से होती हैं और वो रेक्टिफाई हो रहा है, 1.5 हफ्ता पहले लिख के दिया जा चुका है कि आपने गलती की है, इसको करेक्ट कीजिए, और इसलिए रोक दिया गया था कि आगे फिर किसी को प्रोस्पेक्टस न दिया जाए। नहीं, उस गलती तक जब तक रेक्टिफाई ना हो जाए। गलती हुई है लेकिन इतनी बड़ी गलती, आप कह रहे हैं दूसरे भी गलती करते हैं, दूसरे गलती करते हैं कि आप भी गलती करेंगे, आपकी ओर से भी गलती की जाएगी फिर, और कटिहार को दर्शाने के लिए कश्मीर को अलग कर देंगे? हो सकती है और गलती एडमिट करना चाहिए, गलत हो गया है उसको रेक्टिफाई होने के लिए दिया जा चुका है, आज से 1.5 हफ्ता पहले प्रेस को दिया जा चुका है राइटिंग में। और जिन लोगों की ओर से गलती हुई उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? भाई इस पर मैं क्या कह सकता हूँ? तो कौन कहेगा सर, आप नहीं कहेंगे तो? नहीं नहीं, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने अपनी जिन लोगों की ओर से गलती हुई है उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? गलती हो गई, इसको रेक्टिफाई करने को प्रेस को दिया जा चुका ठीक है, गलती हो गई, गलती हो गई मानते हैं, जिन्होंने गलती की है कोई एक्शन लिया जाएगा उन पर? भाई इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, इस पर मैं क्या कहूंगा, गलतियां किसी से होती हैं, धोखे किसी से हो जाते हैं, अनजाने में बहुत सारी गलती होती है, गलती हो गई, इस पर एक्शन का क्या सवाल है? सर गलती हुई है, आपके कॉलेज पे सवाल उठ रहे हैं, आप पे सवाल उठ रहे हैं, जिन लोगों ने गलती की उन पे एक्शन तो लिया जाना चाहिए ना? तो मैं तो उसी का जवाब दे रहा हूँ कि वो रेक्टिफाई होने के लिए दिया हुआ है 1.5 हफ्ता पहले, और जब तक रेक्टिफाई नहीं हो जाएगा उसके तब तक किसी को प्रोस्पेक्टस देना मना है, ये मना किया हुआ है। सर आप कह रहे हैं आप नहीं कहेंगे कुछ, संस्था आपकी है, सवाल आप पे उठ रहे हैं, कॉलेज प्रबंधन की ओर से गलती हुई है। मैंने तो बताया जो मुझे बताना था कि ये रेक्टिफाई करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है रेक्टिफाई करने को दिया है, मतलब आप कार्रवाई नहीं करेंगे जिन लोगों ने गलती की है उन पर? भाई इसमें ये फैसला हमारा क्या हो सकता है क्या? तो सर कौन फैसला लेगा ये बता दीजिए, हम उससे बात कर लेंगे। तो भाई किसी से, आप जब मुझसे बात कर रही है तो आप किसी से बात, संस्था आपकी है ना, एक्शन तो आपको लेना है। तो एक्शन मुझे लेना है तो मैं लूंगा उन पे, अगर वही तो हम जानना चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे, कब तक एक्शन लेंगे? अब एक्शन ऐसा कमिटी बैठ करके एक्शन लेती है, इंक्वायरी दी जाती है, डायरेक्ट इंडिविजुअल कोई एक्शन नहीं लेता है। पहले जब तक उसको इंक्वायरी नहीं हो जाती है तब तक ये एक्शन नहीं लिया जाता है, इंक्वायरी हो रही है। चलिए डायरेक्टर के अलावा हम किससे बात कर सकते हैं, हमें ये बता दीजिए, हम उससे बात कर लेंगे। सर भाई आप तो मुझसे बात कर लिया तो फिर आप किसी से बात करें क्या? आप ही तो कह रहे हैं ना कि आप जवाब नहीं देंगे, फिर आप कह रहे हैं कि किसी और से बात कर लीजिए, हम सबसे सवाल का जवाब ले सकते हैं, लेकिन हम आपसे भी जानना चाहते हैं कब तक एक्शन लेंगे, इंक्वायरी बैठाई है आपने ठीक है, लेकिन इंक्वायरी कब तक पूरी होगी, कब तक पूरा मामला साफ होगा, कब तक एक्शन लिया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा? रेक्टिफाई करने को दिया हुआ है और जिन्होंने गलती की है वो पता किया जाएगा, एक्शन होगा उससे। चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए, अशफाक करीम हमारे साथ जुड़ते राज्यसभा सदस्य, और साथ ही साथ आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं, इनसे जब सवाल पूछा जा रहा था उनका कहना है कि इंक्वायरी बैठा दी गई है, अब आगे कार्रवाई की जाएगी, कटिहार को दर्शाने के लिए ये गलती हुई थी लेकिन जिन्होंने गलती की है उन पर एक्शन लेने की बात पे बहुत ज्यादा साफ बात कहते अशफाक करीम नजर नहीं आए। रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, रजनीश आपने भी अशफाक जी की बात को सुना है, क्या कहेंगे?
देखिए अशफाक करीम जो कह रहे हैं उनको इतना बात जरूर कहना चाहिए था कि जो प्रूफ रीडिंग होती है, जो कोई भी विवरणिका हो या कोई भी मटेरियल हो छपते हैं, उसके पहले प्रूफ रीडिंग